गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टीच ए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू रीड सम टॉपिक्स, द फूड पाइप या ओएसोफोगस। ओएसोफोगस, तो ओएसोफोगस, फूड इज मूव्ड बाय द एक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। Food is the moved by the action of the walls of food pipe। जैसे ही हम food को अंदर लेते हैं तो यह food pipe है, वैसे focus है। फिर इसके बाद इसके wall से कहाँ आता है? Stomach में आता है ना। Food is moved by the action of walls, action of walls of वैसे focus और food pipe। फूड पाइप से कहाँ आता है? स्टोमक में आता है। कहाँ आ रहा है? स्टोमक में आ रहा है। यहाँ यह स्टोमक है, ठीक है। द स्टोमक इज अ थिक वॉल बैग, है ना। स्टोमक कैसा होता है? एक थिक बैग वॉल होता है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे शेप। जे शेप में इसके जो वाल होते हैं, इसके जो स्टोमक का जो साइज होता है वह किस शेप का होता है? जे शेप का होता है, फ्लैटेंड होता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट्स, जो इनर लाइनिंग है स्टोमक में क्या हो जाता है? जो इनर लाइनिंग होता है, अंदर में जो लाइनिंग होता है, उसमें से क्या क्या सेक्रेट होता है? आप देखें, म्यूकस है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर सेक्रेट फ्रॉम स्टोमक, फ्रॉम स्टोमक से सेक्रेशन होता है। इसमें जो इनर लाइनिंग होता है, स्टोमक में जो इनर लाइनिंग होता है, उससे म्यूकस सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है और डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है। तो म्यूकस जो होता है, म्यूकस आप कह सकते हैं जो जो थूक जो होता है, जो अपन लोग जो फेंकते हैं, तो म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमेक। अब म्यूकस क्या करता है? इसकी जो लाइनिंग है, स्टोमेक की जो लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए प्रोटेक्ट करता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेरी रिएक्टिव एसिड से है, जिसके कारण ये म्यूकस क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेव करता है ना, उसको क्या करता है? सेव करता है। तो द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के लाइनिंग को म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। सेकेंड है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह बैक्टीरिया को नाश मारता है, किल्स बैक्टीरिया और मेक स्टोमेक मीडियम एसिडिक। स्टोमेक का मीडियम क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। स्टोमेक का मीडियम क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है फॉर द डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस के लिए इसके जो मीडियम हो जाते हैं वह क्या हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, है ना। थर्ड जो हो जाता है, अब देखें, डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है ना। द डाइजेस्टिव जूस
juice break down the protein into the protein into simpler substances. है ना? तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस कहां से सेक्रेट होता है? स्टोमक से होता है. तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन तोड़ता है किसको? तो किसको तोड़ता है? प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंस में. चूंकि प्रोटीन से हमारा शरीर जो है सब पूरा बना हुआ है, तो हमारा शरीर पूरे प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो उसको क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है. इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंख, इसमें क्या क्या फंक्शन होता है ये आप लोग देखें, है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली वाइड, इज हाईली वाइड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वह हाईली वाइड होता है और इसकी जो लंबाई होती है 7.5 मीटर होता है ना. It receives secretion from liver and pancreas. कहाँ कहाँ से? लीवर से और पेनक्रियास से सेक्रेट होता है, निकलता है. क्या? It receives secretion. It receives करता है secretion from liver and pancreas. पेनक्रियास से और लीवर से जो जूस निकलता है वह यह क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है. यहां से कहां आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, लीवर से भी और पेनक्रियास से भी जो भी जूस निकलेगा वो कहां आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. ठीक है. अब लीवर इज सेक्रेट बाय जूस. लीवर इज सेक्रेट बाय जूस व्हिच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. अब जो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, सेक्रेट होता है, वह कहाँ स्टोर होता है? बाइल ब्लॉडर में. ब्लॉडर में, गॉल ब्लॉडर में क्या होता है? स्टोर होता है. ठीक है. तो यहाँ देख रहे हैं लीवर सेक्रेट बाइल जूस व्हिच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लॉडर. गॉल ब्लॉडर में यह स्टोर होता है. ठीक है. बाइल जूस हेल्प्स एंड डाइजेशन ऑफ फैट. हम लोग जो भोजन लेते हैं, फूड में जो हम लोग जो भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन जो लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, इसका डाइजेशन होनी चाहिए ना. तो बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. फैट्स का कौन डाइजेशन करता है? तो बाइल जूस डाइजेशन करता है ना. फैट का जैसे हम लोग दूध लेते हैं, है ना, मक्खन लेते हैं, मलाई लेते हैं, है ना, घी खाते हैं, तो वह क्या होता है? फैट होता है. तो फैट का क्या होना चाहिए? डाइजेशन होनी चाहिए ना. तो किसके द्वारा होता है? तो बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. ठीक है. अब सेकेंड है यहाँ पर पेनक्रियाज. यह पेनक्रियाज है. तो पेनक्रियाज जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना. पेनक्रियाज जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. पेनक्रियास से जो अग्नाशय से जो जठराग्नि से जो जूस निकलता है वह किसको किसको डाइजेस्ट करता है? तो कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? आलू, मक्का, चावल, है ना, पोटैटो, राइस, है ना, मैज, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. और फैट्स मिल्क हो गया, घी हो गया, है ना, और बटर हो गया, फैट्स होता है. और प्रोटीन जो हम लोग दाल के रूप में लेते हैं, एग्स लेते हैं, मीट लेते हैं, तो यह सब क्या हो जाता है? उसमें प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन का डाइजेशन होनी चाहिए ना. तो पेनक्रियाज जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है. अब देखिए इंटेस्टाइनल जूस
फाइनली डाइजेस्ट। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इससे जो सेक्रेट होता है वह क्या क्या किस में चेंज कर देता है, फाइनली डाइजेस्ट किसको कर देता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब फैट जो होता है किसमें हो जाता है, फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटिक एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी होता है ना, फैटिक एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन जो होता है वह एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। यह एमिनो एसिड जो होता है यह प्रोटीन का मोनोमर होता है, एकलक होता है। चूंकि पूरे शरीर हमें किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है।